में भी किसी प्राइमरी का पढ़ा हूँ और प्राइमरी से मेरा नाता है, लगाव है, रिश्तेदारी है, मेरे ऊपर कर्ज है। मुझे प्राइमरी ने ही यहाँ पहुँचाया है, प्राइमरी के एजुकेशन ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपके बीच कलेक्टर हूँ, तो मेरा ये सपना है या मैं ऐसा सोचता हूँ कि प्राइमरी में जो शक्ति है, क्षमता है, वो कहीं नहीं है। हमारा ये मानना है कि अगर किसी स्कूल को ठीक करना है तो हम लोगों का फोकस स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस टीचर होना चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूँ टीच द टीचर्स। हम लोग बच्चे पे फोकस करते हैं लेकिन मैं टीचर पे फोकस करता हूँ। यदि स्कूल का टीचर अच्छा है, उसके अंदर क्वालिटी है, तो वो कुछ भी कर सकता है। और यदि स्कूल का टीचर ठीक नहीं है, आप उसे कुछ कहो हाउ टू इम्प्रूव द टीचर्स, टीचर को कैसे इम्प्रूव किया जाए। जब टीचर की हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छा होगा, टीचर सुरती पान तंबाकू नहीं खाएगा तो बच्चा नहीं खाएगा, टीचर समय से आएगा तो बच्चे में एक आदत पैदा हो जाएगी, वो भी समय से आएगा। इसलिए इसी टीच द टीचर्स के लाइन को मैंने, मुझे अवसर मिला, मैंने इस जनपद में लागू करने के लिए स्कूल के टीचरों को दिया है। केवल बुकिश नॉलेज ना हो, केवल वो रट्टा मार करके पढ़ाई ना करे, उसका सर्वांगीण विकास हो जिससे वो एक अच्छा मनुष्य बन सके, देश के विकास में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, ये भी हमारे सामने एक विषय था। जमाना बदल रहा है, पहले जमाने के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारा एजुकेशन की क्वालिटी ठीक नहीं हो। इन सभी बातों के मद्देनजर हम लोगों ने, जैसा कि अभी बीएसए साहब ने बताया, 22 पॉइंट पे काम कर रहे हैं और मुझे ये पता है, मैं फीडबैक लेता रहता हूँ कि पूरे जनपद में एक वातावरण बना है, एक अच्छा वातावरण चल रहा है। Oh,